हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल सोलर पैनल। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का एक इक्विपमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। आज एटमॉस्फेयर को देखते हुए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बाकी के सोर्सेस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं और उन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सेकेंड भी बिजली के बिना काम नहीं हो सकता है। और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नए नए सोर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सोलर पैनल के इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के तरीके हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली बनाने के तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, जो वातावरण में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण से सोलर पैनल का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। पहले तो सोलर पैनल का इस्तेमाल छोटे पैमाने पे किया जाता था, लेकिन आजकल बड़े बड़े प्लांट लगाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी इकट्ठा की जाती है। सबसे पहले सन 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड बेकलेल ने फोटोवोल्टिक्स के इफेक्ट का पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि कैसे सूर्य के प्रकाश की किरणों से बिजली उत्पन्न की जा सकती है और कितनी की जा सकती है। इस बात पे बहुत बहस हुई कि किसने सोलर पैनल का आविष्कार किया। कुछ लोग यहाँ पे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एडमंड बेकलेल को सोलर पैनल के इन्वेंशन का क्रेडिट देते हैं, लेकिन सन 1873 में विल्फिल स्मिथ ने सेलेमेनियम में फोटो क्वाडकास्टिक की पावर का पता लगाया। क्योंकि किसी पैनल के अंदर फोटो क्वाडकास्टिक का सबसे बड़ा या जरूरी काम होता है, क्योंकि फोटो क्वाडकास्टिंग सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करती है और सेलेनियम सूर्य के प्रकाश के कांटेक्ट में आने पर बिजली पैदा करता है। 1954 में बेल लैब्स में डेरिल चेपिन, केल्विन फुलर और जेराल्ड पियर्सन ने सोलर पैनल का आविष्कार किया था। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत पहले आउटर स्पेस में सैटेलाइट को एनर्जी देने के लिए किया जाता था। सन 1958 में मोहरा में एक छोटे से सैटेलाइट पर 1 वॉट पैनल का इस्तेमाल किया गया था। सन 1964 में नासा ने सैटेलाइट पर 470 वॉट पैनल का इस्तेमाल किया था। उसके बाद सन 1973 में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में सोलर वन नाम का पहला सोलर बिल्डिंग तैयार किया गया। उसकी पूरी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए थे, जैसे आज लगाए जा रहे हैं। और सन 1981 में पॉल मैक्रीर ने सोलर एनर्जी पर चलने वाला पहला विमान सोर चैलेंजर को बनाया। इसे 1998 में फ्रांस से यूके तक उड़ाया गया। ये विमान को 80,000 फीट पर उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद नासा ने 2001 में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नासा ने रॉकेट विमान को 96,000 की फीट पर उड़ाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा। सन 2016 में वर्ल्ड ट्रेड पिकार्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान बनाया। सोलर एनर्जी का पूरी तरह से ओपन सोर्स है और ये भरमार पाया जाता है। हालांकि सूर्य पृथ्वी से 90 मिलियन माइल की दूरी पर है, लेकिन लाइट इस दूरी को तय करने में 10 मिनट से भी कम का समय लेता है। वर्ष 1980 से सोलर पैनल की कीमत में हर साल कम से कम 10% की गिरावट आई है, लेकिन पिछले कुछ समय से सोलर पैनल की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये बिजली का सस्ता और अच्छा रिसोर्स है और इससे वातावरण को कोई भी नुकसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ आपको जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।